प्राण प्रतिष्ठा से पहले न सिर्फ अयोध्या बल्कि देश भर में राम नाम की गूंज है। तो ऐसे में राम भक्त हनुमान को भला कोई कैसे भूल सकता है। जो कोई भी अयोध्या जाए वो हनुमान गढ़ी में दर्शन किए बिना नहीं आता, और साथ में हनुमान गढ़ी का विशेष लड्डू वाला प्रसाद जरूर लाता है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियों के बीच हनुमान गढ़ी के लड्डुओं की चर्चा हो रही है। इन लड्डुओं को GI टैग मिले और इसका कॉपीराइट हो, इसके लिए आवेदन किया गया है। आपको बता दें कि वाराणसी के रहने वाले GI टैग के एक्सपर्ट पद्मश्री रजनीकांत ने इसके लिए आवेदन किया है। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में हनुमान गढ़ी के लड्डू को तिरुपति के लड्डू की तरह GI टैग मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर GI टैग होता क्या है। दरअसल GI टैग एक ऐसा नाम या संकेत है जो प्रमाणित करता है कि किसी उत्पाद में विशिष्ट गुण है जो इसे दूसरों से अलग बनाता है। किसी भी प्रोडक्ट पर GI टैग हासिल करने के लिए आवेदन करना होता है। इसके लिए प्रोडक्ट बनाने वाली एसोसिएशन या संस्था अप्लाई कर सकती है। भारत में GI टैग 15 सितंबर 2003 से लागू हुआ था और दार्जिलिंग चाय GI टैग पाने वाला पहला भारतीय उत्पाद बना था। आपको बता दें कि हनुमान गढ़ी के लड्डू के लिए सोमवार को GI टैग के आवेदन स्वीकार हो गया है और GI आवेदन संख्या भी मिल गई है। जब हनुमान गढ़ी के लड्डू को GI टैग मिल जाएगा तब वो भी बौद्धिक संपदा के रूप में दर्ज हो जाएगा। इसके बाद जब करोड़ों राम और हनुमान भक्त अयोध्या दर्शन को आएंगे तो पूरे गौरव के साथ न सिर्फ लड्डुओं का प्रसाद चखेंगे बल्कि उसे साथ भी ले जाएंगे। इसके अलावा GI टैग मिलने के बाद इसे बाहर भी भेजा जाएगा और पूरी दुनिया में हनुमान गढ़ी का लड्डू एक ब्रांड बनकर सामने आएगा। इन लड्डुओं को बेसन और शुद्ध देसी घी से तैयार किया जाता है।